मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने वर्चुअल माध्यम से किया पुलिस थाना मानपुरा का उद्घाटन। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर ने गत दिनों मानपुरा के लिए घोषित पुलिस थाना मानपुरा का आज वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ कर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को एक बड़ी सौगात दी। आने वाले समय में यह पुलिस थाना इस क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में विशेष मददगार साबित होगा। यह विचार दून विधानसभा क्षेत्र के विधायक परमजीत सिंह पम्मी ने पुलिस थाना मानपुरा के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। दून विधायक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में इस क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी अनेक योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक पति मोहित चावला ने मुख्य अतिथि दून विधायक परमजीत सिंह पम्मी का विधिवत स्वागत किया व उन्हें सम्मानित किया। प्रधान ग्राम पंचायत मानपुरा नामदेव ने आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया तथा मानपुरा में पुलिस थाना का शुभारंभ करने के लिए प्रदेश सरकार, स्थानीय पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व स्थानीय निवासी वरिष्ठ नागरिक बंत सिंह ने पुलिस थाना भवन मानपुरा में रिबन काटकर शुभारंभ किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने पुलिस थाना मानपुरा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सहित उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों के अलावा विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को भी पुलिस अधीक्षक पति द्वारा सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस लाइन किशनपुरा में 331.89 लाख रुपए की लागत से निर्मित 12 पाइप टाइप 2 आवासों के अलावा और भी बहुत सारे कार्यक्रमों का वर्चुअल उद्घाटन किया। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने वर्चुअल के माध्यम से जो दून विधानसभा क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, जब से इंडस्ट्रियल पैकेज आया था 2003 में, जब से इस क्षेत्र की बहुत लंबी डिमांड थी कि यहाँ जो इंडस्ट्री उद्योग आए हैं उसके साथ साथ जो बाहर से लोग भी आए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा क्राइम भी बढ़ गया था, काम भी बढ़ गया था बद्दी पुलिस स्टेशन के ऊपर और नालागढ़ पुलिस स्टेशन के ऊपर। उस बोझ को हल्का करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया था जब निमंत्रण होटल में माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए थे कि हमें मानपुरा के अंदर एक पुलिस स्टेशन की ज़रूरत है। मैं धन्यवाद करूँगा आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, जिनके आशीर्वाद से इस पुलिस स्टेशन मानपुरा की घोषणा की गई, उसके बाद कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिलेगी। आज यहाँ पे उपस्थित हमारे बहुत ही ऊर्जावान कर्मठ SP मोहित चावला जी, जो अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है, उनके नेतृत्व में आज इस पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने। वर्चुअल के माध्यम से आज मानपुरा पुलिस स्टेशन का शुभारंभ हुआ है, इसके लिए मैं इस क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमें काम करने के लिए जो बद्दी जाना पड़ता था या नालागढ़ पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था, अब हमें मानपुरा में ही ये पुलिस की जो मदद है, पुलिस का जो सहयोग है, इसी के क्षेत्र में हमें मिलेगा। सर, लोगों के अंदर बड़ी खुशी है कि बहुत अच्छा काम हुआ। सर, एक लोगों की समस्या सर और है कि जो खड्डियाँ सर उनके ऊपर भी थोड़ा अगर आपके माध्यम से सरकार को खड्डे, मतलब जो रोड के ऊपर खड्डे पड़े हुए सर, NH का काम सैंक्शन हो चुका है, टेंडर टेक्निकल बिड निकलनी बाकी है, 731 करोड़ रुपए का हमारा टेंडर है। जल्दी बारिश की वजह से हमने ये रोका हुआ था पैच वर्क, NH का पैच वर्क, जब भी बारिश खत्म होगी इमीडिएटली हम उसको इसको शुरू कर देंगे। दून विधानसभा क्षेत्र के ऐसे रोड कभी नहीं हुए जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद इस क्षेत्र के ऊपर मिला है और हमने कोई रोड नहीं छोड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें कम से कम भी कोई पंचायत ऐसी नहीं जिसमें हमने 3-3, 2.5 करोड़ खर्च नहीं किया। हर गाँव में टाइल वर्क चला हुआ है, हर गाँव में रिटेनिंग वाल चली हुई है, सड़कों का काम चला हुआ है, NH का काम जो टेक्निकल बिड है बहुत जल्दी खुलने वाली है, और जो आपने पैचवर्क की बात की है, जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होएगा इमीडिएटली पैचवर्क का काम शुरू कर दिया जाएगा। थाने का और जो के हमारे क्वार्टर्स हैं उनका आज इनॉग्रल सेशन था। साहब ने भी वर्चुअल मोड से CM साहब ने इसका इनॉग्रेशन किया और इसमें हमने यहाँ लोकल लेवल पे भी MLA साहब ने, SP साहब ने और हमारे पुलिस के अधिकारीगण और लोकल लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये सारा प्रोग्राम जो था ये ऊपर से शिमला से तय हुआ था
आज इसका हमने विद्यालय तरीके से आरम्भ कर दिया है। अब इसके आगे का जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम जो भी इसमें फर्दर जो इसमें आगे एरिया आया है पुलिस स्टेशन का, जैसे कि सात पंचायतें हैं, उसका आगे उसमें सर्व करना शुरू कर देंगे। आज MLA साहब ने पुलिस की गाड़ी का भी फ्लैग ऑफ कर दिया, तो आज से इसकी सेवाएं आरंभ होंगी। सर कितना स्टाफ रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे स्टाफ अभी एक SHO, एक एडिशनल SHO और कुछ सिपाही लगाए गए हैं। इसके नंबर अभी ऊपर नीचे हो रहा है, स्टाफ की थोड़ी कमी भी है, लेकिन जल्दी इसको पूरा कर देंगे।